अगर मैं तो पेरेंट्स को बोलती थी कि मैं एक्टिंग के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ बिग नो नो फाइनली रीच्ड मुंबई वेट करने लगी कि किस दिन मुझे स्पॉट किया जाएगा और मैं हीरोइन बन लूंग इतनी बचकानी सोच थी आज मैं रियलाइज करती हूँ उस चीज़ को कि हार के लोग कुछ भी हो जाए हार नहीं मानते तो मैंने देखा अपने आप को फिल्म बनते टाइम पे किसी ने ना ही ये उम्मीद की थी और ना ही ये सोच के बनाई गई थी कि ये फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी लेकिन ये फिल्म इतनी अच्छी बनेगी ये ऑस्कर्स में जाएगी नमस्कार मैं हूँ फलक खान और आ, मैं मुजफ़्फ़रपुर बिहार से आती हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला आप सबसे बात करने का अवसर मिला अगर मैं स्टार्टिंग से बोलती ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग तो आ, मेरी पैदाइश रांची की है क्योंकि मेरी मॉम एंड डैड की दोनों की पोस्टिंग रांची में रही है और दोनों एजुकेशन लाइन से थे तो पापा बी कॉलेज में प्रिंसिपल थे और मदर टीचर थी उस टाइम पे कुछ साल के बाद मम्मी पापा की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में हो गई तो वे शिफ्टेड टू तो मुजफ्फरपुर तो बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो मैं हूँ ठेठ मुजफ्फरपुर की क्योंकि मेरी आफ्टर दैट प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर टिल इंजीनियरिंग मैंने मुजफ्फरपुर में ही किया है तो uh, बचपन से ही जब, जब मैं रांची में पढ़ती थी uh, तब से मुझे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था उस समय तो मैं बोल कि, क्योंकि कि किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हो आपके आगे जाके क्या शौक है तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि इट वॉज माई डेस्टिनी बचपन से मुझे शौक था कि मैं ये अगर इंजीनियरिंग मेडिकल के दो ऑप्शंस मिलते थे तो मैं सोचती कि मैं मेडिकल करूंगी क्योंकि उस टाइम एक सीरियल आता था संजीवनी दैट इज आल्सो माय करियर वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय ए शो तो so, संजीवनी देखती थी मैं और मुझे लगता था कि नहीं आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और मैं भी ऐसे हॉस्पिटल में टू डू 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 करके आई एल गो एंड वॉक तो बट एज किड आई वॉज नॉट नोइंग मुझे सीरियल की वजह से वो प्रोफेशन इतना ज़्यादा पसंद आ गया बट एज एजुकेशन पॉइंट से अगर मैं आऊँ तो जब तक नाइन्थ में आई तो मुझे बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था आई वॉज वेरी गुड एट मैथ्स तो मैथ्स में की वजह से मैंने फिर सोचा कि नहीं लेट्स डू इंजीनियरिंग तो दैट वॉज माई पॉइंट एंड देन आई डिड इंजीनियरिंग मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी की करी और uh, बिहार स्टेट का एक एग्ज़ाम होता है तो so, वो मैंने कि क्लियर किया और uh, मेरा एडमिशन एम आई टी में हुआ बट वेन आई स्टार्टेड डूइंग इंजीनियरिंग तो मुझे अच्छा लगा बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि दिस इज़ नॉट वट वॉट इज गिविंग मी दैट किक इन माई लाइफ कि वो uh, मुझे एक्टिंग करनी है और माहौल ऐसा था घर का कि आप दूर दूर तक आप बोल भी नहीं सकते यू कैन नॉट टॉक अबाउट एक्टिंग मुझे याद है कि जब मैं माई लव ग्रोइंग कि बहुत सारे सीरियल्स आते थे ये रिश्ता क्या कहलाता है नॉल तो उसको मैं मिमिक करती थी आफ्टर द सीरियल यूज़ टू एंड हम मरर uh, के सामने uh, खड़े होके उसको कॉपी करना मिमिक करना तो मुझे लगता था कि ये मेरा शौक़ है बट वो शौक़ धीरे धीरे बढ़ते एज uh, के साथ टाइम uh, के साथ वो कैसे मतलब यू you नो know, अंदर जाता गया मैंने रियलाइज नहीं किया आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू मुंबई आई वॉन्ट टू ट्राई बट दैट वॉज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन माई लाइफ कि हाउ क्योंकि दूर दूर तक नो uh, मेरे फैमिली मेंबर्स डेली में थे बैंगलोर में थे हैदराबाद में थे मम्मी पापा बोले कि नहीं मैं ऐसी जगह आपको नहीं भेज सकता हूँ कि जहाँ पे कोई भी नहीं हो दे हैव दैट फियर मैंने कुछ uh, बताया डिस्कस किया कि मुझे एक्टिंग uh, का शौक है ये है तो मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे तो मैंने सोचा कि आई विल डू पोस्ट ग्रेजुएशन बट फ्रॉम मुंबई मुझे मुंबई तो पहुँचा दो कोई फिर देखते हैं कि वट इज़ योर डेस्टिनी हाउ मतलब ऊपर वाले ने क्या लिखा है आपके हाथ में ऊपर वाले भी अगर लिखेंगे तो आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी यू ऑल विल यू नो अग्री दैट कि अगर ऐसे ही बोल देंगे ऊपर वाले किस्मत लगे कि तो मुंबई उठ के मुजफ्फरपुर में तो नहीं आ जाएगा सो यू हैव टू गो टू मुंबई यू हैव टू ट्राई तो uh, मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं एम बी ए करती हूँ एल डू एम बी ए मुंबई ओनली मेरी यूनिवर्सिटी फिर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी थी एंड एम बी ए मैंने uh, विस्लिंग इंटरनेशनल में फिर एडमिशन आद, लिया और इसलिए लिया कि विस्लिंग इंटरनेशनल एक uh, फिल्म सिटी है मुंबई में गोरेगांव में उसके अंदर है ये तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी वहाँ पे शूटिंग्स होती हो, होती होगी बिकॉज इथ इट वॉज ऑल होती होगी uh, तो फिर वहाँ जाऊँगी और uh, कोई डायरेक्टर क्रॉस करेगा और मुझे स्पॉट कर लेगा एंड देन आई मैल बी द हीरोइन एंड देन आई फाइनली रीच्ड मुंबई और वेट uh, करने लगेगी कि किस दिन मुझे स्पॉट किया जाएगा मुंबई माया माया नगरी बोलते हैं हम लोग और uh, मैं हीरोइन बन जाऊंगी मुझे लॉन्च कर दिया जाएगा एज एक्सपेक्टेड जो भी छोटे शहर से एक सपना लेकर आता है आ, लेकिन आ, मैं उस टाइम पे अगर ऐसा बोलूँगी कि इतनी बचकानी सोच थी आज मैं रियलाइज करती हूँ उस चीज़ को कि सच में आ, ये अगर छोटे शहरों में या फिर मुजफ़्फ़रपुर जैसे और भी जो आ, छोटे शहर से लोग बच्चे आते हैं मुंबई में अगर कहीं ना कहीं उस शहर के अंदर ही मुझे ऐसा आज रियलाइज़ होता है कि ऐसा माहौल हो आर्ट एंड कल्चर को भी उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी हम लोग इंजीनियरिंग मेडिकल और अदर प्रोफेशंस बैंक्स पी या यू पी एस सी कॉम्पिटिशन को देते हैं तो ये नॉलेज लेकर पहुंचेंगे मुंबई जिसको भी शौक़ होगा हल्की ट्रेनिंग हल्की नॉलेज लेके कि हमें क्या करना है कहाँ जाना है टोटली totally ब्लैंक मैं कॉलेज जाती थी कॉलेज के बाद शाम में फिर मैं आ, मुझे याद है कि आ, मेरे पास एक डायरी है मतलब अभी भी है याद में अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें मैं लिखती थी कि हाँ आज ये प्रोडक्शन है और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था कि वॉट आर प्रोडक्शन कंपनीज तो मैं सीरियल्स देखती थी सीरियल के बाद जो आपको एंड रोल क्रेडिट्स आता है उसमें से मैं प्रोडक्शन हाउस के नाम अच्छा ये प्रोडक्शन हाउस है फिर मैं सच करती दे थी देर इज दिस प्रोडक्शन हाउस तो ऐसे मतलब बोलेंगे तो ए बी सी डी मुझे खुद से कॉलेज से आने के बाद टू और डू ऑल दीज थिंग्स तो मुझे लगता है कि शायद फिर आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रांग हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं था मुझे मुंबई में मैं खुद से खड़ी हुई खुद से गिरती थी फिर उठती थी फिर चलती थी तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉग पर्सनैलिटी बनाता है तो इस तरीके से आ, मेरी मुंबई की आ, स्ट्रगल आगे बढ़ रही थी तो आई स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप्स आल्सो कि मैं भी अपने आप को प्रिपेयर करूँ मुझे लगता है कि किसी दिन भी अगर मुझे मौका मिले आई शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे ऐसा नहीं कि कोई मुझे आ, फ्लॉप पे फ्लॉप में प्रोजेक्ट्स देती जाऊँ और मुझे कास्ट करता जाए ऐसे आई डोंट बिलोंग अ फैमिली ऑफ फिल्म तो मुझे ऐसे दसों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मे बी एक मौका मिले मे बी आज मे बी कल में भी पाँच साल के बाद लेकिन जिस दिन मौका मिले उस दिन अगर वो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि मुझे लोग बार बार बुलाएं और याद करें तो आई स्टार्ट वर्कशॉप्स और मैं अपने आप को प्रिपेयर करने लगी कि क्या होना चाहिए इसी दौरान मेरे एक फ्रेंड के रेफरेंस से मैं एक मुझे शो मैं डायरेक्टर से मिलने के लिए गई वो एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था सौ भाइयों की लाडली वो डीडी किसान पे आने वाला था शो वी स्टार्टेड शूटिंग और वो डे नाइट कहीं बाहर शूट करते दे थे देखिए शूटिंग वाले लोगों के लिए इट वाज वेरी नॉर्मल मैं जहाँ से आती थी मम्मी पापा मुझे छोड़ने आए मुंबई एक तो बहुत बहुत डरे हुए रहते थे कि नहीं जाना उनका ये था कि देखो छः बजे से पहले यू हैव टू बी होम <laughs> कि नहीं घर छह बजे मुझे एवरीडे कॉल आ जा हाँ आप लोग घर पहुंच गए अंधेरा होने से पहले आपको घर पे रहना है अब मुंबई में सारी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी देख रही हूं अब आप शूटिंग लाइन में हो तो आपको डे नाइट शूट करना पड़ सकता है तो मैं ये सब सीख रही थी लेकिन वहाँ मम्मी पापा वो नहीं सीख रहे थे उनको लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें तो मेरे लिए स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा फ्रेंड को या मेरे भाई हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं तो उनको मैं बताती थी, थी कि मैं शूट कर रही हूँ लेकिन मम्मी पापा से डरती थी कि मुझे लगता था कि कुछ एक बड़ा हो जाए तो देन आई एल रिवील अभी अगर अगर मैं बता दूँ और अगर वो लोग नहीं तैयार हो और डर जाए और मुझे वापस बुला ले तो मेरा क्या होगा स्टार्टिंग में जो हमारा शो था तो तीन दिन मुझे याद है कि मैंने शो किया अब हम लोग बाहर गए और और मतलब कैसे कैसे शूट किया वो एक अलग स्टोरी है उस पर एक घंटा बात हो सकती है कि शूट हो रहा था मम्मी से बात कर रहा हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ हाँ मैं सो गई इट वॉज लाइक दैट कि ऐसे नहीं कि आपको घर पे नहीं ऊपर नीचे करना चाहिए मैं बट इट्स जस्ट इट इज माई स्ट्रगल स्टोरी आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ़ यू बट धीरे धीरे क्या हुआ आफ्टर सम प्रोजेक्ट मुझे कॉन्फिडेंस आया फिर मैंने मम्मी पापा को कन्विंस करने लगी फिर मेरे आ, कुछ एपिसोडिक शोज आने लगे जिलीज तो मैंने भेजा देन दे कहीं ना कहीं फिर उन लोगों को डाइजेस्ट करने में लगा कि नहीं चलो ठीक है इसकी शौक़ है देन वो आज के दिन जहाँ भी मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाती हूँ और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट बड़े सपोर्ट सिस्टम और सबसे बड़े पीआर मेरे आज के डेट में मेरे फैमिली है मम्मी पापा भाई हैं तो ये तो एक प्रोजेक्ट मेरा मुझे पायलट प्रोजेक्ट मिला लेकिन ये तीन दिन का शूट हो गया ख़त्म मुझे मुझे लगता है मुझे याद है कि कुछ दो या ढाई हजार मुझे मिले थे और मैंने बहुत दिन तक वो एक ऑनवलप में करके रखा था एज अ माई मेमोरी बाद में जब ज़रूरत हो गई होगी तो निकाल लिया होगा मैंने बट मैं सोच रही थी कि कब मुझे मिलेगा ब्रेक कब आएंगे डायरेक्टर जो मुझे स्पॉट करेंगे और मुझे लॉन्च करेंगे उसके लिए तो मैं आई थी ना वैसे ही तो रेडी होकर मैं आई थी बट धीरे धीरे समझ में आ गया ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हर दिन के साथ स्ट्रगल बढ़ता गया और बहुत डिप्रेशन भी होता था बीच बीच में और आप आप यू कैन नॉट शेयर क्योंकि आप ना लड़ झगड़ के आए हो घर से कि नहीं आई हैव टू डू दिस तो आप घर पे बहुत ज़्यादा नहीं बताता था कि मैं काम नहीं मिल रहा है आई एम वेरी डिप्रेस तो बोलेंगे कि कोई बोला तो था नहीं करने के लिए तो यू कैन नॉट शेयर ऑल्सो बट एक दो फ्रेंड्स होते हैं आपके जो आपको बूस्टअप करते हैं एंड आई स्टिल रिमेंबर 2017 में आई साइंड अ वेरी बिग प्रोजेक्ट डेली सोप था एक बहुत बड़े चैनल का एक बहुत बड़ा शो जिसका सीक्वल आ रहा था मैंने साइन किया मैंने ऑडिशंस के बहुत सारे पार्ट्स क्लियर किए फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशंस फिर सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन क्लियर किया फिर लुक टेस्ट होता है बहुत दिन तक चला ये प्रोसेस मैंने साइन किया एंड फाइनली uh, जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने सो हैप्पी क्लाउड नाइन पे थी मैं घर पे आई जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड सर्कल थे मैंने पार्टी किया उनके साथ और मुझे ये बोला गया कि द वेरी नेक्स्ट डे यू यू है शूटिंग आपको कॉल टाइम एंड सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी हम लोग पार्टी करके घर आए वेटिंग के सारे मैंने जो भी शूटिंग रिलेटेड स्टफ्स होते हैं वो मैंने रखा एंड आई वॉज वेटिंग कि मुझे कॉल टाइम आएगा कॉल टाइम आएगा जब मॉर्निंग में नहीं आया कॉल टाइम मैंने कॉल बैक किया uh, बहुत कैजुअली मुझे बोला कि uh, Uh, अरे वो रात में मीटिंग में थी प्रोड्यूसर एंड चैनल की दे इट वाज़ सो कैज़ुअल फॉर हिम टू दिस लेकिन मेरे लिए मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि रियली आई मीन किसी की दो साल की तीन साल की मेहनत है ये और मैं इतनी पागल खुश हो रही हूँ कि नहीं मतलब मैं सच में बता नहीं सकती हूँ कि uh, मेरा क्या फीलिंग था एक हफ़्ते तक मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी कहीं तो ना कहीं मेरे ख्याल में भी आता था, था क्या अब इतना है कि बैक पैक करके या तो वापस चली जाऊँ या फिर एक आ, कुछ ऐसा काम कर लूँ जो मैं अंदर से खुश नहीं फिर रियलाइज करती हूँ नहीं मैं बहुत लोगों की उम्मीद लेके आई हूँ यहाँ पर मैं बहुत लोगों को रिप्रजेंट कर रही हूँ शायद यहाँ पर और अब अब एक मैं जिस कम्यूनिटी से आती हूँ तो वो वहाँ पर क्या है कि कुछ सपोर्ट्स तो बहुत कम मिलते हैं आपको ताने बहुत ज़्यादा मिलते हैं मैं तो मुंबई में रहती हूँ मम्मी पापा को आ रहे आप बेटी को मुंबई भेज दिए आप ये क्या कर रहे हैं इतनी अच्छी पढ़ने में थी ये थी तो मुझे लगता है मेरा शायद एक गलत फ़ैसला और मम्मी लोगों के लिए या फिर उन आ, मम्मी पापा को सुनाने वाले हजार खड़े हो जाएंगे सपोर्ट करने वाले तो पता नहीं लेकिन आ, यही सब सोच के मुझे लगता है कि मैंने बहुत हर बार गिरी हर बार उठी लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आज गिरी हूँ उठूँगी और एक दिन ऐसा उठूँगी कि हर लोग मुझे पहचानेगा एंड दिस माई रिसेंट फिल्म चंपार एंड मट टू मी एफ टी आई आई की एक डिप्लोमा फिल्म है स्टोरी भी बहुत मज़ेदार थी इसमें यह बताया गया कि बिहार के लोग कुछ भी हो जाए हार नहीं मानते तो मैंने देखा अपने आप को कि हाँ ये तो मैं मतलब हर बिहारी वुड रिलेट टू दैट कि चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि फाइनेंशियल हालत जो भी हो प्यार बहुत है हस्बैंड वाइफ की एक स्टोरी दिखाई गई है कि uh, चाहे हालात कुछ भी हो वो हार नहीं मानते तो मैंने यहाँ देखा कि सही बात है मैं भी अगर अपनी स्ट्रगल uh, जर्नी देखूं तो बहुत अप्स एंड डाउन से आए तो ऐसे अगर देखा जाए तो एवरी डे सुबह कुछ अप है तो शाम में कुछ डाउन है सुबह ऐसा लगता है कि हाँ ये कॉल आया आपको बुलाया गया है इसके लिए मीटिंग के लिए ऑडिशन के लिए तो ऐसा लगता था कि वाह अब तो ये क्रैक हो जाएगा शाम में आके पता तो चला आई एम सो सॉरी आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम और मुंबई में दस नो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको बोलता है कि इसमें तो वर्कआउट नहीं हो पाया नेक्स्ट टाइम देखते तो नेक्स्ट मीन नो नो नहीं बोल पाते तो नेक्स्ट बोल देते हैं वहां पे तो धीरे धीरे ये सब चीज समझ में आ गई और ये फिल्म को बहुत रिलेट किया मैंने स्टोरी को फिल्म बनते टाइम पे किसी ने ना ही ये उम्मीद की थी और ना ही ये सोच के बनाई गई थी कि ये फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी हाँ ठीक है अच्छी फिल्म बनेगी तो विल सेंड फेस्टिवल्स लेकिन ये फिल्म इतनी अच्छी बनेगी ये ऑस्कर्स में जाएगी नॉमिनेशन में ऑस्कर्स में इतनी सारी फिल्म ट्वेंटी के आसपास मुझे लगता है इस साल स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड में फिल्म्स नॉमिनेटेड हुई थी वो क्वालिफाई करने के बाद 17 फिल्म्स सेमीफाइनलस में जो हमारी कैटेगरी रही है नैरेटिव एंड द ओनली इंडियन फिल्म टू क्वालीफाई दैट सेमीफाइनलस ये दैट वाज मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने uh, एक बस ऐसा दिया है कि ठीक है लो अब बहुत स्ट्रगल किया तुम लोगों ने कि तो कुछ Uh, फल ले लो तो मैं एंड में आप लोग से ये बोलना चाहूँगी स्पेशली जो बिहार के लोग हैं बिहार के पेरेंट्स को मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करिए आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो उनकी ज़िंदगी के बहुत स्ट्रगल कम हो जाएगा क्योंकि मैंने देखा है कि मुंबई में कितनी भीड़ है कितना स्ट्रगल है आप सपोर्ट करेंगे तो आपके बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी एंड स्पेशली गर्ल्स बिकॉज मैं uh, मैं ना बचपन से ही आई डोंट नो जब जब मुझे फेमिनिस्ट uh, का मतलब भी नहीं पता था ना तब से मैं ना लड़कियों को बहुत सपोर्ट uh, करती हूँ मतलब मुझे पता नहीं मैं खुद उस माहौल में हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर घर में ऐसा ये है तो लड़की को ज़्यादा ये मिलना चाहिए मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ और मेरे एक भाई है ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ अच्छा इतने बजे तुम जा सकते हो इतने बजे नहीं जा सकते हर घर में होता है शाम में जल्दी आ जाना है तो अरे वो उनका माहौल है आउट ऑफ कंसर्न बोलते हैं बट मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी लड़की को ऐसा प्रिपेयर करो कि एनी टाइम आप वो बाहर जा सकती है यू मेक योर डॉटर स्ट्रोंग इनफ बट वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी बिहार में वो चीज़ें कम है कि लोग लगता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत कंसर्न वे में हम अपने डॉटर को सब आ, प्रोटेक्ट करने की वजह से बोल रहे हैं बट मैं अदर वे सोचती हूँ कि आप उस लायक बनाओ अपनी बेटी को कि कहीं पे भी खड़ी हो जाए कुछ भी सिचुएशन आ, आ जाए वो लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए तो ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए और बिहार के बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ड्रीम देखें और उसको पूरा करें और मुझे अगर आप आज यहाँ देख रहे हैं इस मंच पे खड़े होकर मैं अगर आप लोगों से बात कर पा रही हूँ तो ये यकीन रखिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसके पीछे मेहनत करेंगे तो आप भी इस तरह आ, इस मंच पे आके लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ पे अगर तैयारी करने के लिए कुछ अवेलेबल है चीज़ें तो आप वहाँ करिए नहीं अगर है तो मुंबई में तो बहुत सारे हैं बिफोर एंट्रिंग इन टू मेन स्ट्रीम थिंग आप दो महीना चार महीना छः महीना आप प्रिपेयर करो फिर आप भीड़ में घुसो क्योंकि अगर आप आउट ऑफ फिल्म फैमिली से आते हो तो कोई चांस नहीं देता है आपको और अगर बाई चांस चांस मिल गया तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा अगर आई यू आर नॉट रेडी फॉर दैट चांस सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब सपने देखें सपने पूरे होते हैं जरूर पूरे होते हैं ऊपर वाले मदद आज ना कल करते हैं बट हैव पेशेंस एंड बी प्रिपेयर्ड बिफोर कमिंग टू योर माया नगरी थैंक यू इसने इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बड़के बिहारी के, के एकरा पर देखेला मिल तो जकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार तो जोश टॉक्स बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर ले हूं घंटा उंटा दबा दूं कि नोटिफिकेशन आते रहे अरे जब मन होले उदास हो हाँ। तो खोल लेल जोश तो भी आग तो अगर वाद देखा लेकी मन के तरोताजा खेल के एकदम मोटिवेशन लेल की काम शुरू खेल के सफलता कैसे नहीं मिलती एकदम मिलती झंडा गाड़ दो